के स्कूल में पहुंच चुकी है हमारी विद्रोही आनंद की टीम, और यहाँ लोगों ने बहुत ही अनोखे ढंग से पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ अनोखे ढंग से मनाया। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह HMPS की पूरी टीम ने, यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के नॉन टीचर्स ने किस तरह मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया। आइए चलते हैं हम दिखाने आपको। अंशिदा को भी हम लेने घूमने का था ना, अंशिदा सार का बेटी। Good morning, Namaskar. Today is June 5th, World Environment Day. Today we celebrated Environmental Day at HMPS School Assamgarh. The theme of the year is Ecosystem Restoration. In the absence of human activities and amid coronavirus lockdown, the nature is getting time to clean itself. Threat to our planet is the belief that someone else is going to help the planet. But it is not someone else, that is me, you, he, they. So please, let's come together. Please take a pledge to conserve it. Earth, our environment, for a happier tomorrow. Happy Environment Day. Thank you. सर, आज बहुत ही अनोखे ढंग से पर्यावरण दिवस को मनाया गया, आपके स्टाफ ने मनाया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे विद्यालय में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या इसको इको डे के नाम से भी जानते हैं, और यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने के लिए 1972 में इसकी घोषणा की, और पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 1974 को मनाया गया। और इसका उद्देश्य है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा के चलें, आने वाली पीढ़ी को जो है, जो जैसे इस महामारी में हम देख रहे हैं कि, और अपने विकास को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने पर्यावरण को नहीं देख रहे हैं। महामारी को देखते हुए जो है पर्यावरण, अब तो लगता है कि आगे के लिए जो है सबसे जरूरी है पर्यावरण का होना। तो इसको बचाने के लिए हमको चाहिए कि इसका प्लांटेशन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको करें। पूरी दुनिया इसको आज दिन करती भी है, और हमको ये भी चाहिए कि किसी भी शुभ अवसर पर हम किसी के यहाँ जाएं तो एज ए गिफ्ट उनको एक प्लांट दें, जिसको वो अपने आप प्लांट भी करें, और इसके बारे में अपने बच्चों को बताएं भी, भाई हमको प्लांट लगाना क्यों जरूरी है। हम उनको अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो हमको अपना पर्यावरण भी सुधारना ही पड़ेगा। बस यही बात मैं कहूँगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना।